गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वंस अगेन आई वेलकम टू यू इन माय इंग्लिश क्लासेस विथ योर बुक हॉर्नबिल टेक्स्ट बुक इन इंग्लिश क्लास 11th लेसन 5 द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल रिटन बाय नानी पालकीवाला एंड दिस इज़ द फोर्थ एंड द लास्ट पार्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लेसन एंड हियर यू आर वॉचिंग द हॉर्नबिल cover page of your textbook. बच्चों अभी तक हमने पढ़ा कि एक ग्रीन पार्टी का गठन हुआ था 1972 में न्यूजीलैंड में, और उस ग्रीन पार्टी ने ही पूरे वर्ल्ड को इस बात से अवगत कराया कि धरती का स्वास्थ्य गिर रहा है एंड वी शुड केयर अबाउट द हेल्थ ऑफ द अर्थ. ये भी कि जो मैकेनिकल व्यू है, मशीनी दौर है, उससे अब हमें शिफ्ट होना है जो होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू है उसकी ओर. ये लेखक ने हमको इस आर्टिकल के माध्यम से बताया जो 1994 में पब्लिश हुआ था. साथ ही उन्होंने ये बताया कि धरती में जो स्पीशीज़ हैं तो कैटेगराइज्ड स्पीशीज़ हैं लगभग 1.4 मिलियन और अनकैटेगराइज्ड स्पीशीज़ भी हैं इससे 300 गुना, जिनका अभी नाम तक हम नहीं जानते हैं और ना ही साइंटिस्ट उनको कैटेगराइज कर पाए हैं और वो अपने एक्सटिंक्ट की ओर हैं. लेखक ने हमें ये भी बताया है कि वी हैव फोर बेसिक पिलर दैट आर बेसिक दैट आर द बेस ऑफ आवर सर्वाइवल. वो पिलर्स हैं फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड द क्रॉपलैंड्स. राइटर हमें ये भी बताते हैं कि ये जो फोर पिलर्स हैं यही हमें जीवन जीने के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें देते हैं एक्सेप्ट मिनरल्स एंड द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. साथ ही उन्होंने ये बताया कि धीरे धीरे मैनकाइंड जो है वो अपने आप को पूरी तरह डोमिनेट करते हुए धरती को शेयरिंग वाला हिस्सा नहीं मानते बल्कि वो धरती पे डोमिनेट करते हैं और उसके कारण बहुत सारी स्पीशीज़ गायब होते जा रही हैं. और ये भी कि जो लॉज बनाए गए हैं भारतीय संविधान में, जैसे 48 आर्टिकल 48A में बोला गया है कि स्टेट जो है राज्य जंगलों का और प्राकृतिक पर्यावरण का को सेव करेगी, उसे संरक्षित करेगी और उसमें इम्प्रूव भी करेगी, लेकिन नियम सिर्फ नियम ही की तरह उपयोग हो रहा है, उनको पूरी तरह से एनफोर्समेंट के साथ लागू नहीं किया जा रहा है. ये भी बताया कि धरती के स्वास्थ्य के गिरने का एक प्रमुख कारण है हमारा पॉपुलेशन जो लगातार बढ़ते ही जा रहा है. और जब 1994 में ये आर्टिकल लिखा गया था उस समय से वर्तमान में 2020 में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई है. और इसके लिए उन्होंने ये भी बोला है कि पॉपुलेशन बढ़ने का ये अर्थ नहीं है कि ज़्यादा लोग और ज़्यादा काम, बल्कि पॉपुलेशन बढ़ने का ये अर्थ है कि ज़्यादा लोग और बिना काम के, है ना. बेरोज़गारी बढ़ गई है और मुख्य जो हर समस्या की जड़ है वो है पॉपुलेशन प्रॉब्लम. और जो पॉवर्टी गरीबी को भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा देती है, और गरीबी को जारी रखने के लिए यदि कोई चीज़ जिम्मेदार है तो वो है पॉपुलेशन, ऐसा एस्टिमेट किया है लेखक ने. इसके बाद का आगे का हम शुरू करते हैं. ये मैंने कल पिछले वीडियो में निशान लगा दिया था, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं. द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी 920 मिलियन टूडे, मोर देन द एंटायर पॉपुलेशंस ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका पुट टुगेदर. भारत की जनसंख्या इज एस्टिमेटेड टू बी 920 मिलियन टुडे. एस्टिमेट यानी अनुमान लगाया जाता है कि 920 मिलियन आज है, मोर देन द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका पुट टुगेदर. जब साउथ अमेरिका यानी दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका की दोनों की जनसंख्या को मिला लें, उससे ज़्यादा जनसंख्या भारत की है.
नो वन फैमिलियर विद द कंडीशंस इन इंडिया वुड डाउट दैट द होप ऑफ द पीपल वुड डाई इन देयर हंग्री हटमेंट्स अनलेस पॉपुलेशन कंट्रोल इज गिवन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी. नो वन फैमिलियर विद द कंडीशंस इन इंडिया, कोई भी भारत में की जो कंडीशन है हो सकती है उससे फैमिलियर परिचित नहीं है. वुड डाउट दैट द होप ऑफ द पीपल वुड डाई इन देयर हंगर, कि लोगों की आशाएं और उम्मीदें उनकी भूख में ही भूख के साथ ही समाप्त हो जाएंगी. हटमेंट्स में यानी झोपड़ियों में बस्तियों में ही उनकी उम्मीदें आशाएं समाप्त हो जाएंगी. अनलेस पॉपुलेशन कंट्रोल इज़ गिवन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, जब तक कि पॉपुलेशन कंट्रोल यानी जनसंख्या नियंत्रण को सर्वाधिक प्रायोरिटी यानी महत्व नहीं दिया जाता है तो लोगों की उम्मीदें उनकी झोपड़ियों में ही उनकी बस्तियों में ही समाप्त हो जाएंगी. यहाँ हटमेंट्स यानी झोपड़ियों की बस्तियाँ. फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री वी सी अ ट्रांसेंडिंग कंसर्न, पहली बार हम मानव इतिहास में ट्रांसेंडिंग यानि तुच्छताओं से दूर यानि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं तुच्छ महत्वहीन जो चिंताएं हैं कंसर्न यानि हित तुच्छताओं से दूर हित की ओर सोच रहे हैं. द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल बट ऑफ द प्लैनेट, हम सिर्फ इंसानों का लोगों का सर्वाइवल उनको लगातार जीवित रखने के बारे में नहीं सोच रहे हैं बल्कि हम प्लैनेट को जीवित रखने के बारे में सोच रहे हैं. प्लैनेट यानी ग्रह, ये पूरे धरती के ग्रह के बारे में बात हो रही है. वी हैव बिगन टू टेक अ होलिस्टिक व्यू ऑफ द वेरी बेसिस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, हमको होलिस्टिक व्यू, होलिस्टिक यानी यानी संपूर्ण, होलिस्टिक यानी संपूर्ण दृष्टिकोण से ये देखना पड़ेगा. टू व्यू ऑफ द वेरी बेसिस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, हमारे अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हमें ये संपूर्ण दृष्टिकोण को अपनाना पड़ेगा. धरती के सर्वाइवल का दृष्टिकोण अपनाएंगे तो ही हमारे सर्वाइवल का प्रश्न उठ सकता है, या धरती रहेगी तो हम रहेंगे, धरती का स्वस्थ पृथ्वी रहेगी तो हम रहेंगे. द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम डज नॉट नेसेसरीली सिग्नल अवर डिमाइज, जो एनवायरमेंट की प्रॉब्लम है पर्यावरण की समस्या है वो डज नॉट नेसेसरी सिग्नल अवर डिमाइज, ये आवश्यक नहीं है कि वो हमें ये सिग्नल दे रही है कि हमारा अंत या मौत आ गई है, अंत समीप आ गया है. इट इज़ अवर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर, वो हमें वो सिग्नल दे रही है कि जो वातावरण है वो हमारा पासपोर्ट है भविष्य का, मतलब हम भविष्य में रहेंगे कि नहीं रहेंगे उस बात का पासपोर्ट यानी एक तरीके का अनुमति पत्र है कि आप भविष्य में रहेंगे कि नहीं, यानी पर्यावरण अच्छा रहेगा तो भविष्य में हम अच्छे हम रहेंगे, हम यानी मानवीय सभ्यता. द एमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन हैज़ उशर्ड इन द एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एमर्जिंग यानी होता है उभरता हुआ, जो नया संसार है. द एमर्जिंग न्यू वर्ल्ड, नया उभरता हुआ संसार है, उसका विजन यानी दृष्टि दूरदृष्टि या उसकी जो स्वप्न है हैज़ उशर्ड इन एरा इन द एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो नया जो वर्ल्ड का विजन है वो हमको यह रास्ता दिखा रहा है, नए स्थान उशर्ड यानी नया रास्ता दिखाना, उस जगह तक पहुंचाना. इन द एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, किस जगह पे पहुंचा रहा है, एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारियों के युग में, एज एरा यानी एज या युग काल, तो जो नया हमारा विज़न है संसार का वो हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारियों के युग की ओर रास्ता दिखा रहा है. इट इज़ ए होलिस्टिक व्यू
एन इकोलॉजिकल व्यू, सीइंग द वर्ल्ड एज एन इंटीग्रेटेड होल रादर देन अ डिसोसिएटेड कलेक्शन ऑफ पार्ट्स। ये एक संपूर्ण दृष्टिकोण है, ये एक संपूर्ण दृष्टि है। एन इकोलॉजिकल व्यू एक पारिस्थितिकी वाला व्यू है, दृष्टि है। सीइंग द वर्ल्ड एज एन इंटीग्रेटेड, ये संसार को एक रूप में देखती है, इंटीग्रेटेड यानी एक रूप में देखती है। होल रादर एक संपूर्ण के रूप में, होल यानी संपूर्ण के रूप में। रादर देन अ डिसोसिएटेड कलेक्शन ऑफ पार्ट, ना कि पृथक पृथक या जुदा हुए, डिसोसिएटेड यानी टुकड़े टुकड़े जो हैं उसको इकट्ठा करके रख दिया है, ऐसा नहीं देखती। ये संसार को एक रूप में देखती है। इंडस्ट्री हैज़ अ मोस्ट क्रूशियल रोल टू प्ले इन दिस न्यू एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडस्ट्री यानी उद्योगों का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है इस नए युग में, जहाँ पर जिम्मेदारियों का युग कह रहे हैं। वॉट आर ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी इफेक्ट इफ मोर, क्या ट्रांसफॉर्मेशन, क्या परिवर्तन प्रभावपूर्ण तरीके से आएगा, देखते हैं अगले पेज में। पिछले पेज के सेंटेंस से हम कंटिन्यू करते हैं। वॉट आर ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी इफेक्टेड इफ मोर बिजनेस मैन शेयर्ड द व्यू ऑफ द चेयरमैन ऑफ ड्यू पॉन्ट मिस्टर एजर एस वुलार्ड, हु 5 years ago declared himself to be द कंपनीज चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर। ही सेड अवर कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस एज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स रिक्वायर्स दैट वी एक्सेल इन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस। तो क्या परिवर्तन प्रभावपूर्ण तरीके से लागू होगा यदि अधिकतर मोर बिजनेसमैन, ज़्यादा बिजनेसमैन इस व्यू को शेयर करते हैं, इस विचार को शेयर करते हैं जो ड्यूपॉन्ट, जो चेयरमैन थे, चेयरमैन ऑफ ड्यूपॉन्ट, ड्यूपॉन्ट कंपनी के चेयरमैन मिस्टर एडगर एस वुलार्ड, जो कि 5 साल पहले जिन्होंने डिक्लेयर किया था अपने आप को कंपनी का चीफ एनवायरनमेंट ऑफिसर, यानी प्रमुख पर्यावरण ऑफिसर। ही सेड, उन्होंने कहा था, अवर कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस एज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर रिक्वायर्स दैट वी एक्सेल इन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस, कि हमारा जो कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस, कि लगातार हम अस्तित्व में रहेंगे, यह एज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर, लीडिंग यानि अगुआ बनकर, मैन्युफैक्चरर यानि उत्पादक, तो उसके लिए रिक्वायर्स यानी ज़रूरी है कि वी एक्सेल इन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम पर्यावरण का में जो काम कर रहे हैं उसमें बेहतरीन प्रदर्शन करें। तो हम बेस्ट उत्पादक तब बने रहेंगे जब हम पर्यावरण को भी बेस्ट अपना देंगे। ऑफ ऑल द स्टेटमेंट्स मेड बाय मार्गरेट थैचर ड्यूरिंग द ईयर ऑफ हर प्राइम मिनिस्टरशिप, नन हैज़ पास्ड सो डिसिसिवली इनटू द करंट कॉइन ऑफ इंग्लिश यूसेज एज हर फेलिशियस वर्ड्स। मार्गरेट थैचर ने अपने प्राइम मिनिस्टरशिप में, जब वो प्राइम मिनिस्टर थी उस समय उन्होंने जो स्टेटमेंट दिए थे, नन हैज़ पास्ड सो डिसिसिवली इनटू द करंट कॉइन ऑफ इंग्लिश यूसेज, उनके अलावा किसी ने भी इस तरीके का स्टेटमेंट अब अंग्रेजी में नहीं दिया है, ऐसे शब्दों का प्रयोग अभी तक नहीं किया है हर फेलिशियस वर्ड्स, उनके जो बहुत ही बधाई के पात्र या बहुत ही अच्छे, फेलिशियस यानी होता है बधाई के पात्र, वो जो वर्ड थे, नो जनरेशन हैज़ अ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ। उनका ये कहना था कि किसी भी जनरेशन का, किसी भी पीढ़ी का ज़मीन पर पूर्णतः स्थायित्व नहीं होता है, यानी कोई भी जनरेशन हमेशा के लिए धरती पर अपना अधिकार नहीं कर सकती है।
ऑल वी हैव इज़ अ लाइफ टेनेंसी, हम सबका जो है यहाँ पर जीवन है वो किराएदार के रूप में है। लाइफ टेनेंसी यानी जीवन की किराएदारी है यहाँ पे, विथ अ फुल रिपेयरिंग लीज, और ये जो लीज़ है कुछ समय तक ज़मीन का जो अधिक उपयोग कर रहे हैं हम या पट्टा लेते हैं, लीज यानी पट्टा, तो वो ये जो लीज़ पे ली गई ज़मीन है इस पर हमें रिपेयरिंग कंटिन्यू करते रहना, सुधार और मरम्मत करते रहना है। मतलब उनके जो ओवरऑल शब्द थे कि किसी भी जनरेशन का ज़मीन पर स्थाई अधिकार नहीं है, हर एक जनरेशन ज़मीन पर आती है तो जितने समय तक उसका जीवन रहता है उस समय तक वो इस ज़मीन पर किराएदार के रूप में रहता है, विथ अ फुल रिपेयरिंग लीज, और उसको पूर्णतः उसका रिपेयर भी करना होता है, मतलब उसकी सुधार कार्य भी करना होता है। इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर लेस्टर ब्राउन, मिस्टर लेस्टर ब्राउन के शब्दों में यदि हम देखें, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोर फादर्स, कि हमने इनहेरिट करना यानी विरासत में धरती को नहीं पाया है अपने फोर फादर्स से, पूर्वजों से। वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है, आने वाली जनरेशन से उधार लिया है। बोरोड यानी होता है उधार लेना। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि यह केवल मानव जाति के बचे रहने का ही प्रश्न नहीं है अपितु इस ग्रह के, पृथ्वी के बचे रहने का प्रश्न है। तो ये जो पूरा का पूरा लेसन हमने पढ़ा, द ग्रीन मूवमेंट्स रोल फॉर आवर एलिंग प्लैनेट, द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल, तो ये एक चिंता भरा आर्टिकल था धरती को बचाए रखने के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए। इसके लिए यानी कोई संस्था आगे बढ़ के काम करे, कोई व्यक्ति आगे बढ़ के काम करे, यानी जरूरी नहीं है कि राज्य और संस्था का ही ये काम है, ये प्रत्येक मनुष्य का काम है कि वह अपनी भूमिका पर्यावरण को बचाने में दे। अभी हम देखते हैं कि लोग बाज़ार जा रहे हैं तो खाली हाथ बाज़ार चले जाते हैं और वहाँ से पन्नी लेते हैं और उसमें सब्जी भाजी लेकर आएंगे, उसमें अपना किराना लेके आएंगे। क्यों, जब पन्नियाँ नहीं थी तब भी तो संसार चल रहा था, बिना पन्नियों के, बिना पॉलीथीन के भी संसार चल रहा था। आज उन्हीं पन्नियों के कारण धरती की बीमारी और बढ़ रही है, ये जो एलिंग प्लैनेट है उसकी एलनेस बीमारी बढ़ते जा रही है, क्योंकि हर मनुष्य जागरूक नहीं है, हर मनुष्य इतना अवेयर नहीं है कि वो पृथ्वी की स्वास्थ्य की ओर ध्यान दे, वो सिर्फ अपनी सुविधा की तरफ देख रहा है, पृथ्वी के स्वास्थ्य की ओर ध्यान नहीं दे रहा है। तो इस लेसन को पढ़ाते समय पढ़ाने के साथ ही मेरा यानी ये रिक्वेस्ट है, लास्ट में यही बोलूँगी कि पन्नियों का उपयोग ना करें, धरती के स्वास्थ्य पर ये प्रतिकूल असर डालती हैं। और दूसरा, पानी का जो प्राकृतिक रूप से हमको दिया गया है जल, उसका भी मिसयूज़ ना करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें एक एक बूंद पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। गर्मी के समय में हम देखते हैं कि जल स्तर ज़मीन का बहुत नीचे चला जाता है, या कई बार ऐसा होता है कुएँ सूख जाते हैं, नलकूप सूख जाते हैं, बोरिंग सूख जाती है। तो पानी को वेस्ट ना करें, मिनिमम यूज से काम करें, और साथ ही जो भूजल का स्तर है यानी वाटर टेबल है जो कुएँ और बोरिंग का है, उसको मेंटेन करने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग करें, कोशिश करें कि जो वर्षा का जल है वो ज़मीन के अंदर तक आप पहुँचाएँ, उसके लिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है उसका उपयोग करें। बारिश का पानी ज़मीन के अंदर तक पहुँचेगा तो धरती का वाटर टेबल मेंटेन रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि जो बारिश हुई और वो पूरा जल बह जाए। तो ऐसा करते करते धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि हमारी आने वाली जनरेशन्स को पीने का पानी भी नहीं मिल पाएगा। तो दो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें जो मेरा व्यक्तिगत निवेदन है इस लेसन के साथ साथ, कि धरती की बीमारी को हम समाप्त कर सकते हैं एक वाटर हार्वेस्टिंग से, दूसरा प्रण कर लें कि हम पन्नियों का उपयोग नहीं करेंगे। तो बहुत ही यानी जब भी कोई लेसन किसी सिलेबस में रखा जाता है तो उसके पीछे कारण रहता है कि हम वर्तमान तात्कालिक परिस्थितियों को हमारे छात्रों तक पहुंचाएं, ताकि वो उसके प्रति जागरूक हों। और बच्चों का जागरूक होने का मतलब है कि पूरा परिवार का, वो अपने माता पिता को, अपने पड़ोस को भी इस विषय में जागरूक कर सकते हैं।
तो यहाँ पर मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ, लेसन अपना समाप्त हो चुका है। थैंक यू, हैव अ वेरी गुड डे। और यदि आपको लेसन पसंद आया हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि अन्य लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।